पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव पडरी मरोरी का मामला, जहां एक दिन बार बालाओं का डांस हुआ जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिसको लेकर दबंग लोग बौखला गए। तो वहीं गांव के निवासी शंकर सरन लगाया वीडियो वायरल करने का आरोप। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया 2 जून की रात्रि 9 बजे ग्राम प्रधान मुन्नी देवी के पौत्र का तिलक समारोह चल रहा था, जिसमें बार बालाओं को डांस किया जा रहा था। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे नाराज होकर उक्त लोगों के रात्रि 11:30 बजे पीड़ित के ट्यूबवेल पर अचानक धावा बोल दिया, जहां युवक आवारा पशुओं की रखवाली कर रहा था। वहीं युवक को पकड़कर हाथापाई की, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जिसके बाद वीडियो युवक द्वारा बनाकर वायरल किया गया है। जबकि युवक ने बताया उसने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। युवक के ट्यूबवेल के दरवाजे तोड़ दिए गए, युवक किस तरह जान बचाकर वहां से भाग गया। उक्त लोग गालियां देते रहे। युवक ने बताया सभी लोग दबंग किस्म के हैं। युवक ने बताया युवक को अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। युवक ने थाना बिलसंडा प्रभारी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट जाहिद अली बिरछी पीलीभीत। शंकर सरन पूर्व प्रधान पड़ी मरोरी। अच्छा, क्या मामला है? कल रात में ग्राम पंचायत पड़ी मरोरी में वर्तमान प्रधान मुन्नी देवी के पुत्र संतोष सिंह के पुत्र का तिलक समारोह कार्यक्रम गौशाला में चल रहा था। वहां पर कहीं बाहर से बुलाई गई लड़कियां डांस कर रही थी, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। उस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए करौली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल उन्होंने प्रोग्राम को स्थगित किया। उससे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर संतोष सिंह व उनके परिवार के सभी सदस्य अचानक हमारे ट्यूबवेल पर धावा बोल दिया, जहां पर मैं काफ़ी समय पहले से ही निवास करता हूं। इन लोगों के धावा बोलने से मैंने आवाज़ सुनी, तब मैं